सो गाइज ये हमारे डे नंबर 10 की वीडियो नंबर 2 और आशा करता हूँ आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस जरूर देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो आप डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियो प्लेज की ज़रूर देख लें। और आज हम करने वाले हैं अपना एक और न्यू टॉपिक, वो है वैल्यू बेस्ड फॉर द इनविजिबल मैन नॉवल। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मतलब कल के डे में लास्ट वीडियो में बताया था कि कैरेक्टर, वैल्यू और प्लॉट, ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो, वैल्यू लर्न कर सकते हो। आपको प्लॉट के लिए सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो आप प्लॉट आंसर कर पाओगे, लेकिन कैरेक्टर 5 और वैल्यू 1, 6 क्वेश्चन लर्न करने पर आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि 6 मार्क्स तो आपके फिक्स हो ही गए, समझ में आया, उसे आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताने वाला हूँ, उन वैल्यूज़ के बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि जो वैल्यू मैं डिस्कस करूँगा उसके बेसिस पे एक आंसर है जो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है जो मैंने पिछले साल बनाई थी, उसमें वो आंसर है। शुरुआत में सेम वैल्यू डिस्कस की गई है उसी वीडियो के अंदर, बाद में वो आंसर गिवन है तो वहाँ से आप उस आंसर को नोट कर लेना, ठीक है। और हालांकि मैंने शायद अपने नोट्स के अंदर भी वो दे रखा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, और बाकी सामने मैं वैल्यू डिस्कस करने वाला हूँ तो ध्यान से देखना। वैल्यू का मतलब होता है थीम, मतलब इस नॉवल से हम क्या सीखते हैं, ठीक है। गाइस सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखते हो लॉन्ग वाला, ये जो कैरेक्टर जो भी लिखते हो, तो इनविजिबल मैन बाय एचजी वेल्स इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू इनविजिबल मैन की क्या है, एक्सट्रीम डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्क एंड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस एंड मैडनेस समटाइम्स। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ हम पूरे के पूरे वर्क को अपने पूरे 100% एफर्ट्स के साथ करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें सक्सेस भी मिल सकती है और मैडनेस, मतलब हम पागल भी हो सकते हैं। क्यों सक्सेस इसलिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी चीज़ को अगर डिवोटेड तरीके से करेंगे, डेडिकेटेड तरीके से करेंगे, उसमें कोई भी हम यू नो डिले नहीं करेंगे और यू नो वी मीन से कि इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तो ऑब्वियस सी बात है हमें सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैडनेस क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं और वो चीज़ नहीं हो पाती है तो हम इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो ये चीज़ जो होती है ये कहीं ना कहीं मैडनेस, समटाइम्स इट मींस कि पागलपन को भी इंजाम दे सकती है। अब रही बात इसको आंसर कैसे करोगे, तो आंसर देखो कैसे करना होता है वैल्यू बेस्ड, मैं बता देता हूँ कि भाई आपने बोला कि इन द नॉवल द इनविजिबल मैन एचजी वेल्स प्रेजेंट्स अस द वैल्यू दैट इज एक्सट्रीम डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क एंड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस एंड मैडनेस समटाइम्स। आप इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि लाइक इफ वी आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग देन वी मे सफर मैडनेस एज वेल एज वी कैन अचीव सक्सेस। अब इसको आप रेफर कर दोगे किससे, इनविजिबल मैन नॉवल से, कैसे, एज वी कैन सी इन द नॉवल द इनविजिबल मैन वेयर वी आर प्रेजेंटेड विद द कैरेक्टर ऑफ द इनविजिबल मैन who is extremely dedicated towards his work to find out the formula of invisibility, कि वो extremely dedicated होता है invisibility के formula को discover करने के लिए, और in the last he leads to the success when he gets the formula and when he applies the same formula on himself तो वो invisible हो जाता है, और लेकिन बाद में वो madness को भी अंजाम देता है, वो कहीं ना कहीं मतलब जो उसकी मेहनत है वो इतना ज़्यादा वर्क करता है कि वो पागल भी हो जाता है उस चीज़ को लेके और उसको गलत तरीके से यूज़ करता है। तो आप पूरी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को साथ में रेफरेंस में डाल सकते हो, तो ऐसे आपका वैल्यू बेस्ड आंसर प्रिपेयर हो सकता है। हालांकि अगर आपको नहीं लिख पाते हो, आप ग्रामेटिकली एक्यूरेट नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वही लर्न करना चाहिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेफरेंस किया है, ठीक है, रेफर किया है। तो आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई है। दूसरी वैल्यू है लस्ट फॉर पावर कैन लीड टू डिजास्टर। लस्ट मतलब हमारी जो लस्ट होता है, हमारा जो अट्रैक्शन होता है, हमारा जो एक यू नो डिज़ायर होता है पावर को पोसेस करने का, शक्ति को पोसेस करने का, वो डिजास्टर लेके आता है। डिजास्टर मतलब तबाही लेके आता है। अगर हम पावर को पाने की कोशिश करते हैं तो वो पावर कहीं ना कहीं तबाही भी लेके आती है, और कहीं ना कहीं हमारा जो लस्ट है उस पावर को लेके हमें मोटिवेट करता है नेगेटिवली उस पावर को गलत तरीके से यूज़ करने में। तो जो उसका लस्ट था इनविजिबल मैन, मतलब ग्रिफिन का इनविजिबिलिटी को डिस्कवर करने का, लास्ट में हमने देखा कि जब उसने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो कैसे उसने यू नो एक डिजास्टर को अंजाम दिया, डिस्ट्रक्शन को अंजाम दिया, हालांकि वो देना नहीं चाहता था लेकिन स्टिल, ठीक है। तीसरा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो ये नॉवल हमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी शो करता है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का मतलब
कि साइंस के एरा के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आना, एक बदलाव लेके आना। मतलब कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इनविजिबिलिटी पॉसिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो क्या ये साइंस का एक न्यू एरा नहीं होगा, एक न्यू एपिसोड नहीं होगा? अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इस नॉवल में इस चीज़ को यू नो पॉसिबल दिखाया गया है। तो ये नॉवल कहीं ना कहीं हमें एक विजन देता है किसका, एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन का, कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, लास्ट में गाइस साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी का मतलब है कि साइंस जो है अगर ह्यूमैनिटी के बगैर हो तो कैसी होएगी, तो जानलेवा होएगी, डेविल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि साइंस का मकसद क्या होता है आप लोगों को पता है? साइंस का मतलब होता है, विज्ञान का जो मेन मकसद होता है वो होता है मानवता का उद्धार। ठीक है, लेकिन अगर यही साइंस जो है वो ह्यूमैनिटी के ही अगेंस्ट हो जाए, मानवता के ही खिलाफ हो जाए और मानवता का उद्धार ना करे बल्कि विनाश करने लग जाए, तो ऐसी साइंस का क्या बेनिफिट है, ऐसी साइंस का क्या फायदा है? तो इनविजिबल मैन नॉवल जो है हमारे को साइंस का एग्जाम्पल शो करता है कि अगर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हो तो क्या होगा, तो डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी। जैसे कि हमने देखा कि ग्रिफिन ने अपने उस फॉर्मूले को ह्यूमैनिटी के खिलाफ लास्ट में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ये है। और लास्ट में कहीं ना कहीं मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पे हमारा 10 डेज प्लेज जो है वो खत्म होता है आज के दिन। ठीक है, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आपकी जर्नी कैसी थी। और अब सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो है गाइस बोनस डे। आपने सही सुना, दैट इज बोनस डे। तो बोनस डे क्या है? यहाँ पे बोनस डे है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स कराने वाला हूँ जो टॉपिक्स मैंने इस 10 डेज प्लेज में नहीं कराए हैं, लेकिन वो 5% हो सकता है कि आ जाए। जैसे कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट के बारे में बोला, कई लोगों ने मुझे पोस्टर के बारे में बोला, या फिर दूसरे कुछ टॉपिक्स के बारे में बोला कि सर आपने वो छोड़ दिए हैं, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको याद करना या प्रिपेयर करना पहली प्रायोरिटी नहीं है। ऐसी हर एक चैप्टर में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मैंने थोड़े से छोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहली प्रायोरिटी नहीं है आप लोगों के लिए। आपके लिए पहली प्रायोरिटी है वो सारी चीज़ें जो मैंने 10 डेज प्लेज में कराई हैं, और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। जैसे टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया, प्रेजेंटेशन को लेके बताया मैंने, तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप उनको ज़रूर प्रिपेयर करो। बोनस डे का मतलब है कि जो 5% है, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ऐसे ही पेपर इज़ अनसर्टेन, कुछ भी आ सकता है, तो हमें एक वॉरियर की तरह एकदम प्रिपेयर रहना है और हमारे को हर एक क्वेश्चन को एक वॉरियर की तरह अच्छे तरीके से करना है। जैसे एक वॉरियर फाइट करता है ना किसी भी हालत में, उसी तरीके से किसी भी हालात में पेपर हो आपका, आपको उसे प्रिपेयर करके आंसर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बोनस डे है हमारा जिसके अंदर हम एडिशनल टॉपिक्स करने वाले हैं, ये आपके लिए बोनस की तरह होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो मैं आपको बता दूं, कल है हमारा 20, आज 19 है और कल है 20, तो 20 को इंग्लिश की कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, 20 को तो कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा एडिटिंग का काम है, वो भी करना है। ठीक है, 21 को हमारा Q&A का पार्ट 2 आएगा, Q&A का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। Q&A का पार्ट 2 आएगा अब, और उसमें बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर किया जाएगा। तो उनको देखना, समझना और उससे जो हेल्प मिले तो ज़रूर मुझे बताना कितनी हेल्प मिली है। ठीक है, तो 20 को कुछ नहीं आएगा, 21 को आपका Q&A का पार्ट 2 आएगा, और 22 जो है उसमें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। 1.5 घंटे के गैप पे, 2 घंटे के गैप पे एक ना एक वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। समझ में आया? तो आपको 22 को क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बीच बीच में प्रीमियर कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रीमियर इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आप देख लेना उन वीडियोज़ को। तो आप देख सकते हो, जैसे रिपोर्ट का टॉपिक हो गया, एडवर्टीजमेंट में कुछ दूसरे टॉपिक्स हो गए, या नोटिस में कोई दूसरी कैटेगरी का टॉपिक हो गया, या कुछ भी, मतलब कुछ भी नया जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगा, सर्व मिलेगा। ऐसे फ्लैमिंगो के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए कुछ, और मतलब विस्टास के हो गए। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होगी जो 10 डेज प्लेज को अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अगर उन्होंने इसको ही अच्छे से नहीं किया तो वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से करो। और कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई 95 प्लस लाना आसान है, मैं ले आऊँगा, मैं नहीं ले आऊँगा अगर मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। भाई ये सब मत पूछो, वर्क करो अपना। वर्क करोगे तो आपको खुद ही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं है तो प्लीज़ चीज़ों को लर्न करो। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, सबको लर्न कर लो। और पहले बड़ी मछली को पकड़ो, मतलब पहले वो चीज़ें जहाँ पे कम याद करने पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर होंगे, जैसे राइटिंग सेक्शन हो गया आपका, उसे पहले लर्न करो। फिर लिटरेचर में लॉन्ग आंसर्स पहले लर्न करो, पहले शॉर्ट आंसर्स पे मत जाओ, पहले राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स लर्न करो जो जो बताएं 10 डेज प्लेज में। फिर उसके बाद आप लिटरेचर के लॉन्ग आंसर्स लर्न करो, जिसमें फ्लैमिंगो के पहले लर्न करो। समझ में आया? फिर पोएटिक डिवाइसेस को समझो ताकि वो एग्जैक्टली आ जाए। ठीक है, उसके बाद
आप नॉवल के करेक्टर स्केचेस को लर्न करो, जो इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बेस को लर्न करो, जो फिक्स है, जो आने ही है, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर्स पे आओ। या अगर आपको लॉन्ग आंसर आते होंगे तो आप शॉर्ट आंसर को भी लिख सकते हो, या शॉर्ट आंसर सारे लर्न होंगे तो उसका एक लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और टेस्ट ज़रूर देना है। तो आई होप गाइस समझ आया होगा। और ये मत सोचना कि 22 को सिर्फ बोनस डे आने वाला है, 23 से एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। और प्लीज़ इतना ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को कि 2 मार्च तक, 2 मार्च तक आपके 50K सब्सक्राइबर्स, आपका चैनल है, आपके चैनल पे 50K सब्सक्राइबर्स जरूर हो जाए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आग की तरह फैला दो वीडियो को।